हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक मध्य प्रदेश में घूमने की जगहों के बारे में बताएंगे, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थल यहाँ आने वाले लोगों को कभी निराश नहीं करते। यहाँ आपको ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश भारत का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रमुख राज्य है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को भारत का दिल या हृदय भी कहा जाता है, जो अपने कई ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और किलों और महलों के कारण यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यहां कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का घर है, जो वनस्पतियों और जीवों की कई लुप्त प्रजातियों का घर है। मध्य प्रदेश उन कुछ राज्यों में से एक है जो चारों तरफ से कई राज्यों से घिरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में घूमने की 5 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप अपना समय बिता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, हमारी यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शानदार सफर में। नंबर 1, उज्जैन भारत में सबसे पुराने शहरों में से एक है। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के पूर्व तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। उज्जैन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुंभ मेले का त्योहार यहाँ हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, और इनमें से प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन प्राचीन भारत में सबसे शानदार शहरों में से एक है, क्योंकि इस विभिन्न भारतीय विद्याओं का शैक्षणिक केंद्र माना जाता है। धर्म, वस्तुकला और शैक्षणिक केंद्र के लिए उज्जैन भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश जाने का प्लान कर रहे हो तो उज्जैन को जरूर विजिट करें। 2, कन्हा नेशनल पार्क। दोस्तों, कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। मंडला जिले में स्थित कन्हा राष्ट्रीय उद्यान राजस्वीय बाग के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का भी घर है। पार्क में 300 से अधिक प्रजातियों के साथ साथ कई प्रकार के वन्य जीव और कई पक्षियों का घर भी है। इस उद्यान की सबसे खास बात यह है कि यह मध्य प्रदेश में स्थित मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और इस उद्यान का नाम एशिया के सर्वश्रेष्ठ उद्यानों की सूची में शामिल है। पार्क के बड़े स्तनधारी और 22 प्रजातियों का घर है, और रॉयल बंगाल टाइगर यहां का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश जा रहे हो तो कन्हा नेशनल पार्क को जरूर विजिट करें। नंबर 3, भोपाल। दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अच्छी जगहों में से एक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नवाबों और तालाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक महल, हवेलियाँ है। इनमें मुख्य रूप से सदर मंजिल, हामिद मंजिल, ताजहर, चिकदोल कोठी आदि शामिल है। इसके अलावा यहाँ कई तालाब भी मौजूद है, जो शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। इनमें 2 ब्यूटीफुल मैन मेड लेक भी शामिल है। भोपाल संस्कृति, विरासत और आधुनिक जीवन के सहमिश्रण का एक बड़ा शहर है। यह शहर अपनी साहसी मस्जिदों के लिए भी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यह शहर अपने राजशाही मस्जिदों के लिए भी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी ताज उल मस्जिद और एशिया की सबसे छोटी 2.5 कदम मस्जिद भी मौजूद है। घूमने के लिए वन्य विहार, राष्ट्रीय उद्यान, झील और हनुमान टेकड़ी जैसी जगहें हैं, पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। नंबर 2, ग्वालियर। दोस्तों, ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली पर्यटन स्थलों में से एक है। जहाँ की खूबसूरती यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्वालियर न सिर्फ किला है बल्कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे बेहतरीन स्कूल और कॉलेज भी है। यह एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने विशाल किले, स्मारकों, खूबसूरत महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। ग्वालियर का किला, जयविलास महल और सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। इन्हें देखने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियाँ और हरियाली से घिरा यह शहर घूमने के लिहाज से देश में सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही स्थित है। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश जा रहे हो तो ग्वालियर के इस किले को जरूर विजिट करें। नंबर 1, खजुराहो। दोस्तों, खजुराहो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अपने मंदिरों के लिए विश्व भर प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने यहाँ के मंदिरों को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। खजुराहो मध्य प्रदेश के अति प्राचीन पर्यटन स्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित खजुराहो पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ की कला देखने के लिए पर्यटक बहुत ही बड़ी संख्या में आते हैं।
खजुराहो में मध्य युग कालीन भारतीय संस्कृति और वास्तुकला की एक झलक दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपको मंदिर और आस्था में यकीन हो तो आप इस जगह को जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश में घूमने की 5 जगहों की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के पर्यटन स्थल के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।